दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने आया हूँ, लेकिन मैं इससे पहले आपको बता दूँ कि ये जो शाहरुख सोहेल के साथ जो मेरा पॉडकास्ट है, उसमें हमने बाकायदा डिस्कस किया है कि क्यों फ्रेंचाइज़ लीग जो है वो नहीं चल सकती पाकिस्तान के अंदर, किसी भी कीमत पे वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती, चाहे वो हारून मलिक की फ्रेंचाइज़ लीग हो जो उनकी फीफा बैक्ड है, या वो ग्लोबल सॉकर वेंचर्स हो जिनका हमें ऑलरेडी पता है कि वो अपनी फ्रेंचाइज़ हमारे ऊपर मुसल्लत करने वाले हैं और वो PFF की मर्ज़ी के बग़ैर पाकिस्तान की फ़ुटबॉल लीग लेके आ रहे हैं। PFF उसको अलाउ नहीं करती, तो वो फजूल में मुसल्लत करें और हमें अपना ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। और दूसरा, उसमें वो कोई प्रमोशन रेलीगेशन की बातें नहीं कर रहे, वो कोई यूथ टीम नहीं लेके आना चाहते, कोई अकेडमी सेटअप नहीं करना चाहते, ना ही वो अंडर 9s, अंडर 11s, अंडर 16s पे काम करना चाहते हैं, और वो 6 हफ्ते की लीग करा रहे हैं। दैट इज़ इनफ फॉर मी टू टेक वन साइड, और मैं ये बात करूँ कि मैं पिरामिड सिस्टम के हक में हूँ, मैं फ्रेंचाइज सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ। मैंने अपनी साइड चुन ली है और मैं अपनी साइड से अब हट रहने वाला, ये मेरा स्टांस है। मैं, शाहरुख सुहेल, अली हसन भाई, साद भाई जो है ऑन द माइक, इस्माइल फारूक, हम एक पेज पे हैं और हम किसी फ्रेंचाइज को एंडोर्स नहीं कर सकते, चाहे वो हारून मलिक की हो या वो ग्लोबल सॉकर वेंचर्स हो। दैट शुड बी वेरी क्लियर, किसी भी किस्म की फ्रेंचाइज को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही किसी भी फ्रेंचाइज लीग की जो लीग स्टार्ट होती है उसके किसी मैचेस को हम कवर करेंगे, ना ही हम उसको वेटेज देंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई एक्चुअली उनके खिलाफ ही है। ये नज़रियाती जंग है, ये आइडियोलॉजीज़ की जंग है, और आइडियोलॉजी हमारी पिरामिड सिस्टम है और हम उसी के ऊपर चलेंगे। तो अगर आपने अपनी लीग्स मुसल्लत करनी है तो गुड लक टू यू। पहले तो आप अपनी जो पहली जो लीग है वो करा के दिखा दें, मैं देख लेता हूँ कितनी सक्सेसफुल होती है। दूसरा, अली हसन ने एक बात की थी और वो आप सुन लें। इन्हें फ्रेंचाइज लीग का जो ड्रीम चेस करता है ना, वो पाकिस्तानी फुटबॉल का दुश्मन है, मैं उसको कहता हूँ। वो पाकिस्तानी फुटबॉल के नाम पे अपना पैसा बनवाएंगे, फुटबॉल को भी फायदा नहीं होना, ठीक है? यू आर वेस्टिंग मनी ऑन गिमिक्स इंस्टेड ऑफ एक्चुअल पाकिस्तानी फुटबॉल। किसी भी मुल्क की फुटबॉल डेवलप करने में आपको बहुत बोरिंग काम करने पड़ते हैं, बोरिंग काम। ग्रास रूट फुटबॉल इज सपोज्ड टू बी बोरिंग, यूथ डेवलपमेंट इज सपोज्ड टू बी बोरिंग, बिल्डिंग एन इंस्टीट्यूशन एज अ क्लब इज सपोज्ड टू बी बोरिंग। ये बहुत बोर काम है और इनके असरात आपको 10-15-20 साल की मेहनत मुसलसल के बाद नजर आते हैं। जो बंदा फ्रेंचाइज लीग को सपोर्ट करता है वो पाकिस्तान फुटबॉल का दुश्मन है, ये वो आदमी कह रहे हैं जो 21 साल से पाकिस्तान फुटबॉल को कवर कर रहा है मुसलसल। और जितना इश्क पाकिस्तान फुटबॉल से इस आदमी को है, शायद ही पाकिस्तान में किसी आदमी को होगा, ठीक है? 21 साल दिए हैं इस आदमी ने, 21 साल, बहुत लंबा टाइम होता है ये। तो जब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल के लिए गलत है ये फ्रेंचाइज लीग जो है, अगर आप उसको सपोर्ट करते हो वो पाकिस्तान फुटबॉल का दुश्मन है, तो इसका कोई ना कोई रीज़न होगा। मेरे ख्याल से उस रीज़न के पीछे जो है वो वजह जान लेनी चाहिए कि क्या रीज़न है। मैं बताता हूँ क्या रीज़न है। ग्लोबल सॉकर वेंचर सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, मैं मुंह पे बोलता हूँ, आप सिर्फ पैसा कमाने चाहते हैं, आप ज़मीरों के सौदागर हैं और आप सिर्फ पैसों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आप एक ऐसी लीग मुसल्लत कर रहे हैं हमारे ऊपर जहाँ पर आप एक सीज़न आएंगे, पैसे लेंगे, पैसे कमाएंगे और फिर दफ़ा हो जाएंगे आप। उसके बाद फिर 11 महीने जो है वो प्लेयर्स का क्या होगा आपको कुछ नहीं पता, प्रमोशन रेलीगेशन कैसे होगी आपको कुछ नहीं पता, आप तो पिरामिड सिस्टम में बिलीव ही नहीं रखते, तो प्रमोशन रेलीगेशन कहाँ से आएगी? फिर यूथ टीम, आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता यूथ टीम होती है कि नहीं होती, तो आप में और डिपार्टमेंट में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। ऊपर से आप फ्रेंचाइज फीस मांगोगे, जो क्लब्स या फ्रेंचाइजेज इसके अंदर होंगी उनको सेंट्रल पूल में से, रेवेन्यू में से, जो भी रेवेन्यू उनका जनरेट होगा एक सीज़न के बाद, गेट रिसीप्ट से या मीडिया राइट्स से या टीवी राइट्स से, व्हाटएवर, उस सेंट्रल पूल से उनको पैसा मिलेगा, उसमें से कुछ जो चंक होगा, हो सकता है 50% से ज़्यादा चंक हो सकता है 30% से ज़्यादा चंक हो, वो जो फ्रेंचाइज फीस है वो इनको देनी पड़ेगी, ये ज़ेब खान साहब को और ग्लोबल सॉकर वेंचर्स को। तो फ़ायदा क्या है आपकी फ्रेंचाइज लीग लाने का, जब जो क्लब है वो अपने ग्रास रूट्स डेवलपमेंट पे तो पैसा खर्च कर ही नहीं सकता, वो अपनी यूथ टीम पे पैसा खर्च कर ही नहीं सकता, वो तो आप करने नहीं देंगे। ट्रांसफ़र फीस पे वो मर मर के पैसे खर्च करेगा,
तो आप सिर्फ प्लेयर्स को ना लॉलीपॉप दे रहे हो कि 6 वीक्स तक हम क्या करेंगे, हम आपको बेतहाशा पैसे देंगे, तुम लाखों कर कमाओगे, करोड़ों कमाओगे, उसके बाद 11 महीने ख़त्म, टाटा बाय बाय गया। तो पहली बात तो ये कि मैं एक फ़ुटबॉल प्योरिस्ट हूँ और मैं ज़मीरों का सौदागर नहीं हूँ GSV की तरह, और दूसरी बात ये कि मैं पैसों के लिए अपना ज़मीर नहीं बेच सकता। आई एम सॉरी, मैं अपने चैनल पे किसी भी किस्म की फ्रेंचाइज को ना सपोर्ट करूँगा, ना मैं उसके मैचेस कवर करूँगा, और ना ही मैं अब इसके बाद उसके ऊपर बात करूँगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये अब नज़रियाती हो चुकी है। दिस इज़ अ वॉर ऑफ आइडियोलॉजी, या तो पिरामिड सिस्टम या फिर फ्रेंचाइज। दूसरी चीज़ ये है कि मैं हारून मलिक की तरफ आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हारून मलिक की फीफा बैक्ड फ्रेंचाइज जिसका जो भांडा है वो फोड़ा था हमारे लेजेंडरी स्पोर्ट्स राइटर उमैद वसीम ने, कि वो एक फीफा बैक्ड, गवर्नमेंट बैक्ड एज वेल, एक अपनी फ्रेंचाइज लेके आना चाहते हैं, और उसमें वो क्या करेंगे, वो फ्रेंचाइज हमारे ऊपर मुसल्लत करेंगे आफ्टर द इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शंस के बाद सारी स्ट्रिंग्स वो पीछे से चलाएंगे, सारी स्ट्रिंग्स वो बंदा पीछे से चलाने वाला है हारून मलिक, और उसको अपनी एक फ्रेंचाइज लेके आनी है। तो मैं हारून मलिक को भी बोल दूँ कि आप जो फ्रेंचाइज लेकर आएंगे ना, हम उसका साथ नहीं देंगे। दैट मस्ट बी वेरी क्लियर, जहाँ पर फ्रेंचाइज का नाम आएगा मैं उसका साथ नहीं दूंगा, ना ही अली हसन ना ही शाहरुख भाई। हम हमेशा से, हमारा एक ही स्टांस है, वी विल नॉट सपोर्ट दिस। सेकेंडली, हारून मलिक वो आदमी है जिसमें इतनी सलाहियत नहीं है, माजरत के साथ, कि AFC Under-17, AFC Under-20 में अपनी यूथ की टीमें भेज सके। तो आपको लगता है कि वो जो फ्रेंचाइज लीग लेके आएगा फीफा बैट वाली, उसमें वो यूथ टीम का ख्याल रखेगा कि हर क्लब के पास यूथ टीम होनी चाहिए? घंटा ख्याल नहीं रखेगा। स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने आज स्टेटमेंट दी है कि भाई अगर पाकिस्तान प्रीमियर लीग आती है उसमें 12 टीमें होनी चाहिए, उसमें 22 मैचेस होने चाहिए, और फिर टॉप 6 होनी चाहिए और बॉटम 6 होनी चाहिए, विच इज़ अ गुड मॉडल। इस तरह आपको तकरीबन 32 मैचेस मिल सकते हैं या 29 मैचेस मिल सकते हैं, तकरीबन आपको ये सब कुछ मिल सकता है, और फिर आप AFC टूर्नामेंट्स के लिए क्या कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो अगर आपको 32 मैचेस खेलने के लिए मिलते हैं। तो क्या ये गलत मॉडल है? फिर उसने ये बोला है कि उसमें हर क्लब का, पाकिस्तान की जो प्रीमियर लीग है, ये स्टेफन ने बोला है, यूथ टीम होनी चाहिए, ये उसकी स्टेटमेंट है आज की, Under-17 की और Under-19 की टीम होनी चाहिए। दूसरा उसने ये बोला है कि कोई फॉरेन प्लेयर नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान प्रीमियर लीग जब आएगी उसमें 3 साल तक कोई फॉरेन प्लेयर नहीं होना चाहिए। आपकी जो ग्लोबल सॉकर वेंचर है वो तो घुसाने ही फॉरेन प्लेयर को जाती है, और स्टेफन ये क्यों बोलता है कि फॉरेन प्लेयर नहीं होना चाहिए? क्योंकि स्टेफन जानता है कि लोकल प्लेयर्स की डेवलपमेंट नहीं होगी अगर 3 साल से पहले हम उसमें फॉरेन प्लेयर्स घुसा देंगे। तो मुझे ज़्यादा पता है या आपको ज़्यादा पता है या स्टेफन को ज़्यादा पता है, मुझे इस सवाल का जवाब दे दें आप। सबसे ज़्यादा इस मुल्क में अगर किसी को पता है तो वो स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन है, ठीक है, जो इस वक्त इस मुल्क की फ़ुटबॉल की भागदौड़ चला रहा है एज अ मैनेजर। मैनेजर बोलो, हेड कोच बोलो, जो भी बोलो, उसने आपको एक रोड मैप निकाल के खुद अपने मुंह से दे दिए। ये आपके हारून मलिक जो लाडले हैं ना, ये उनका काम है कि वो इसको इम्प्लीमेंट करें। और हारून मलिक जो है ना, वो जितने पैसे लेते हैं ना, जितनी तनख्वाह लेते हैं वो, और जो सीट पे विराजमान रहते हैं और वो तनख्वाह उनको मिलती है फीफा से, इतनी पाकिस्तान की जो 30% आबादी है ना, उसकी माहाना तनख्वाह नहीं है जितनी तनख्वाह वो लेते हैं। फिर वो कहते हैं मुझ पर तनकीद ना करो, मैं तो प्रिंस चार्ल्स हूँ। तो मसला ये है कि आपके जो लाडले हारून मलिक है ना, उनको तनकीद का जब निशाना बनाया जाता है तो उनकी फटके हाथ में आ जाती है, ये प्रॉब्लम होता है। तो मैं ज़रा हारून मलिक से पूछना चाहता हूँ कि सर आप मुझे फिर बता दें, आप Under-17 की टीम को नहीं भेज सकते, आप क्राउड फंडिंग नहीं कर सकते हो, आप कॉरपोरेट स्पॉन्सर से एड हॉक या टेम्प्रेरी फंडिंग नहीं लेके आ सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप विमेंस टीम के फ्रेंडलीज ऑर्गेनाइज नहीं करा सकते हैं मई और जून में, ये भी आप नहीं कर सकते, ये भी आपके बस की बात नहीं है, तो बैठे क्यों हुए हो कुर्सी पे? क्यों 16-16 लाख रुपए ले रहे हो, 25-25 लाख रुपए ले रहे हो, किस बात के ले रहे हो? और फीफा के पास इतनी फंडिंग है कि वो आपको आपकी ये जो माहाना सैलरी है ये तो दे सकती है, आपकी जो जो आपके टोले हैं नॉर्मलाइजेशन कमेटी के, उसको तो वो पैसे दे सकती है, लेकिन टीम के लिए वो पैसे नहीं दे सकती, Under-17 के लिए पैसे नहीं दे सकती, Under-20 के लिए पैसे नहीं दे सकती। अजीब सी बात है यार, ये अजीब मजाक लगा के रखा हुआ है आप लोगों ने। वेमेंस टीम के लिए पैसा नहीं है आपके पास, वेमेंस टीम की सैफ चैंपियनशिप आने वाली है अगर आपको नहीं पता तो, अक्टूबर में। तो आपकी जो वेमेंस टीम है पाकिस्तान की, उसने एक मैच नहीं खेला है 2024 में, ये 5वां महीना है,
लेकिन आपकी नॉर्मलाइजेशन कमेटी को शायद शर्म अब नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने तो नेशनल चैलेंज कप करवा दिए। नेशनल चैलेंज कप करा के समझ रहे हैं कि उन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया और पाकिस्तानियों पर एहसान कर दिए। एहसान नहीं किया आपने हमारे ऊपर, आपकी जॉब है ये, आप इसके पैसे लेते हो। सो वी शुड नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस, वी शुड फाइट फॉर आवर राइट्स एंड वी शुड टॉक अगेंस्ट हारून मलिक, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो जो जॉब करते हैं उसके वो पैसे लेते हैं, और जितने लेते हैं वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। सो इट्स हाई टाइम कि हारून मलिक साहब जो हैं वो जवाब दें और एक डिसीजन लें कि उन्होंने यूथ टीम्स का क्या करना है, उन्होंने वेमेंस टीम का क्या करना है। और हर वक्त ये रोना धोना बंद करो भाई कि हमारे पास पैसे नहीं है, फीफा फंडिंग नहीं दे रही। फीफा आपको फंडिंग अगर नहीं दे रहा तो ये ना मेरा मसला है, ना ये मीडिया का मसला है, ना ये लोगों का मसला है। दिस इज़ योर जॉब, फाइंड आउट अ ब्लडी वे। तो बस ये थी बात जो मैं छोटी सी करना चाहता था। एक बात कान खोल के मेरी सुन लो, इसके बाद मुझे गालियाँ दो, जो मर्जी देना देते रहो। मैं एक ज़िद्दी आदमी हूँ, मैं एक पागल आदमी हूँ, और मैं अपने आप को किसी के लिए चेंज नहीं करने वाला, ये मैं बता दूँ। मेरी अब एक साइड है और वो ये है कि पिरामिड सिस्टम इज़ द ओनली वे फॉर पाकिस्तान टू फ्लरिश। डोमेस्टिक फुटबॉल सिर्फ इसी तरीके से आनी चाहिए, और आज ये स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने भी बोल दिया है, और स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन, अली एहसन और शाहरुख सुहेल की बात मेरे लिए पत्थर पे लकीर है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। एंजॉय द पॉडकास्ट अहेड। अब फाइनल द बिग वन, शाहरुख भाई लीग की सुना है यार। इतनी मासूमाना तरीके से आपने सवाल नहीं किया ये। आप सवाल पूछें, आप स्पेसिफिक सवाल पूछें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये फ्रेंचाइज लीग की सुना दें फिर, क्या सीन है? मुझे आप सुना दें कि पाकिस्तान में लोगों को क्या मोहब्बत है फ्रेंचाइज लीग से। मुझे बता दें कि फ्रेंचाइज का, पहले तो आज हम एक क्लियर कर लें कि फ्रेंचाइज का लफ्ज क्या होता है, क्योंकि लोग इस लफ्ज को, रिगार्डलेस ये फुटबॉल में अप्लाई होता है कहीं और होता है, इस लफ्ज को बार बार यूज कर रहे हैं ये सोचे समझे बगैर कि इसका मतलब क्या है। अंग्रेजी जुबान में इसका मतलब है कि आपने किसी चीज के लाइसेंस लिया हो या राइट्स लिए हो और उसके लिए आप पे कर रहे हो। थोड़ा सा आसान जुबान में समझाते हैं, आप मैकडोनल्ड्स की कल फ्रेंचाइज खोल लें, मैकडोनल्ड्स आपका नहीं है, बाय द वे ना खोलना, बॉयकॉट मैकडोनल्ड्स, बट बहरहाल आप अगर मैकडोनल्ड्स ले लेते हैं या कोई भी किसी फास्ट फूड चेन की एक आउटलेट लेते हैं, फ्रेंचाइज करते हैं, आपका नहीं हो जाता, आप उसको पे कर रहे हैं टू ओन इट। अब फ्रेंचाइज लीग से मेरा नंबर वन मसला है फ्रेंचाइज फीस है, क्यों देनी भाई? आप क्यों एक जो भी आप फिगर बनाते हैं, कोई $1.5 million भी बना के बैठा हुए फिगर फ्रेंचाइज फी का हर साल देनी है यार, क्यों देनी है? आप पहले मुझे इसका जवाब देना। आप नहीं देनी चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट, नहीं होना चाहिए कभी भी। अभी भी हमने वो डिस्कस किया था कि जो अब फिर बात आ जाती है ISL क्लब्स की, वही 1.4 मिलियन का जो चंक है या 1.9 मिलियन का, ये 2022-2023 की रिपोर्ट थी, उसके अंदर से वो आज भी जो है ना, जो भी उनका रेवेन्यू आता है उसमें से वो देते हैं फ्रेंचाइज फीस। पंजाब ने भी अभी दिया, अगर पंजाब ना देता वो फ्रेंचाइज फीस तो सेंट्रल पूल का जो रेवेन्यू होता है उससे उसको पैसे ही ना मिलते, जो ISL का सेंट्रल पूल का रेवेन्यू है तो वो छीन लिया जाते हैं उससे वो जो राइट था। तो ये बड़ा एक इशू है। सो दैट्स द सवाल ये है कि भाई जब एक मॉडल इंडिया में नहीं चल रहा, 5 times द मार्केट, एस्टैब्लिश्ड स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उधर नहीं चल रहा, तो आप क्यों पाकिस्तानी फुटबॉल के गले के अंदर थोपना चाहते हैं फ्रेंचाइज? क्योंकि पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि हम इंडिया को कॉपी करना चाहते हैं, दूसरा ये भी है। आप आ गए बात पे, पैसा कमाना चाहते हैं और तो कुछ नहीं। चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं 3 एंगल्स में। वन, लीगैलिटी, कोई भी पाकिस्तान में लीग होती है, वेदर फ्रेंचाइज एटसेट्रा, पहले तो लीगली नहीं है तो फिर तो नॉन स्टार्टर है ना, कॉन्वर्सेशन नॉन स्टार्टर है। सेकेंड, द लीग नीड्स टू बी ओन्ड बाय द पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। 100%। थर्ड पार्टी राइट्स आपने दे दिए ना, तो फिर वो होगा जो इंडिया में कबाड़ा मच जाता है कि आपकी जो FSTL है, जो कंपनी है रिलायंस की, जिसमें शेयर होल्डिंग स्टार की भी है, शुरू में जब ये लॉन्च हुई थी तो इसमें IMG जो एक्सपोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है ग्लोबल, उसकी भी शेयर होल्डिंग थी, लीग ये ओन करते हैं और चलाते हैं। जो पैसे 2010 में IFF को दिए गए थे, उस जमाने में 700 करोड़ इंडियन रुपीज, एट द टाइम आपके कन्वर्जन के साथ रफली $153 million भाई अंबानी है भाई, वो पैसे दे के जो ये कंपनी ओवरसी कर रही है ना फुटबॉल को, ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वो डिसीजंस फिर वो लेंगे और वो फुटबॉल के डिसीजंस नहीं लेंगे, बिजनेस डिसीजंस कभी नहीं। फिर जब आपको क्या कहते हैं, फुटबॉल डिसीजंस आप नहीं लेंगे तो फुटबॉल सफर करेगा। अच्छा, अब ये सारा सिस्टम किसी के मुझे तो नहीं समझ आता कि ये क्या
मतलब जिसे कहते हैं ना, आपने सर दर्द बनाई हुई है कि फ्रेंचाइज फीस देनी है. अच्छा, फ्रेंचाइज फीस देने का मतलब यह कि थोड़ी सी अगर हम एक क्लब की पिक्चर पेंट करें ना, कहाँ से लिख ला, आईपीएल से. आईपीएल को कॉपी पेस्ट करके अगर आप चलाएंगे ना फुटबॉल में, तो नहीं चल सकता. और पीएसएल को भी अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे, क्योंकि आप पीएसएल कहाँ से आया, IPL से. IPL की देखो, फिर अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है. क्रिकेट इज डिफरेंट, क्रिकेट इज अ डिफरेंट स्पोर्ट. अब चलिए यहाँ पे भी व्यूअर्स को बताते हैं कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि एक है स्पोर्ट खेलने में, लेकिन स्पोर्ट को रन करने में भी है. जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है ना, 2023 के अंदर 10 कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया उनने, 41 मैचेस खेले अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशन्स. लेकिन आपको भी पता है, आप लोग मेरे ज़्यादा क्रिकेट कवर करते हैं, क्रिकेट में जब मैचेस होती हैं, सीरीज होती है, वो बहुत डिफरेंट तरीके से स्ट्रक्चर होती है. एक सीरीज एक महीने में ख़त्म होती है. पहले तो डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान की फुटबॉल टीम ने 11 मैचेस खेले 2023 में, और ये तो बहुत ज्यादा थे बनिस्बत जो हमने पिछले कुछ सालों में खेले. ठीक है, दो दो खेलते थे, लेकिन अब कई साल जीरो भी गए हैं. इससे ज्यादा खेलना भी ज्यादा मुश्किल क्यों है? आपके पास विंडोज जो है वो 5 से 6 होती है साल में, और एक विंडो 8 दिन की होती है, 9वां दिन नहीं आता उसमें, और उसमें जनरली स्पीकिंग 2 से ज्यादा मैचेस नहीं हो सकते. नहीं, अलाउड ही नहीं है ना 2 से ज्यादा. 2 से ज्यादा जनरली अलाउड नहीं होते, स्पेशल केसेस में अलाउड होते हैं. कुछ केसेस में अगर आप जिस तरह विंडो से बाहर लेके जाते हैं ना, तो वो फिर ऑफिशियल कैटेगरी ए में नहीं आता. तो वो विंडो के पॉइंट चेंज होते हैं, बट अगर आप आर्ग्यूमेंट से एक पे बात करेंगे तो दो ज्यादा नहीं कर सकते. फिर लीग चल रही होती है ना बाकी टाइम पे, तो आप खेल भी नहीं सकते. तो सबसे पहले तो डिफरेंस ये है कि जो आपकी एक क्रिकेट प्लेयर है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, वो अगर 41 मैचेस खेल रहा है, और अक्सर औकात एक एक सीरीज एक महीने की चल रही है, उसकी मेजॉरिटी क्रिकेट का टाइम पूरे साल में अपनी नेशनल क्रिकेट टीम के साथ होता है, और उसके बाद उनको जो मैंने आखिरी दफ़ा पढ़ा था, पीसीबी की अलाउंस होती है, 2 फॉरेन लीग्स खेल लेते हैं पीएसएल के अलावा, तो इनका मेजॉरिटी टाइम क्रिकेट टीम के साथ है, वहाँ से ही इनकी डेवलपमेंट में मूवमेंट होती है. फिर दूसरा, इकोनॉमिक मॉडल उनसे टाइड है. क्यों? क्रिकेट का तो वैसे भी डिफरेंट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं. अब आगे ना, आपने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि खेलना उन्हें मेन क्रिकेट टीम के साथ है, नेशनल क्रिकेट टीम के साथ. फिर क्रिकेट में होते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स. आपके पास जो कैटेगरी ए प्लेयर है इस वक्त, वो महीने का तकरीबन 60 लाख रुपया कमा रहा है एक महीने में, $21,000 कमा रहा है. फुटबॉल में तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है भाई. तो जब वो ना नेशनल टीम के साथ खेल रहे हैं, ना उससे पैसा कमा रहे हैं, $150 per day मिलता है वेन ऑन इंटरनेशनल ड्यूटी, $250 मिलता है मैच डे पे. तो आपने पहले तो ये क्लियरली इस्टेब्लिश कर लिया कि भाई नेशनल टीम से ना तो आप उतना टाइम गुजारेंगे उनके साथ कि आप फुटबॉल खेल सकें, ना तो आपका घर चलेगा, रोजी रोटी चलेगी. तो ये तो आपको पहले क्लियर हो गया, जो भी फुटबॉल लीग होगी वो 8-9 महीने नहीं चलेगी, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा. ना प्लेयर अपना काम चला सकता है, ना फुटबॉल डेवलप हो सकता है. फिर आ जाती है बात कि इंडियन सुपर लीग का जो मॉडल है उसमें फ्लॉ है. उसमें सबसे बड़ा फ्लॉ ही फ्रेंचाइज फी है. और वो क्यों है? 2019-20 का जो डेटा है, जिसमें बड़ी अच्छी एक थीसिस पे काम किया सार्थक मॉन्डल ने, इंडिया के एक स्कॉलर थे जो इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, 2019-20 के डेटा के मुताबिक जो एक इंडियन सुपर लीग का क्लब था वो रफली $4.7 million का रेवेन्यू कर रहा था. 3.3 million dollars तो वो बेचारा वेजेस में उड़ा देता है 4.7 में से. तो ये तो जनरली क्लब्स में होता है, 60-70% up to 60-70% भी हेल्दी समझा जाता है यूरोपियन फुटबॉल में इन टर्म्स ऑफ वेज टू रेवेन्यू रेशो. अगला प्रॉब्लम ये आता है कि भाई उनको जो सबसे ज्यादा असूलन पैसा है ना जो फुटबॉल में, वो आता है सेंट्रल पूल से. प्रीमियर लीग क्लब्स 110-115 million pounds कमाते हैं हर साल, जो प्रीमियर लीग उनको देता है उनके प्रीमियर लीग स्टेटस के लिए. अब अगर आपको इंडियन सुपर लीग उल्टा हिसाब हो गया, 1.9 million आपको डॉलर्स दे रहा है, लेकिन 1.5 million आपसे फ्रेंचाइज फीस, तो भाई वो क्या करें फिर? 0.4 ले रहे हैं, बेंगलुरु जो एक बड़ा ही अच्छा कमर्शियली अस्टूट रन फुटबॉल क्लब है, उनके ओनर पार्थ चिंडाल JSW के, वो नीता अंबानी जो लीग के कमिश्नर है, 2021 में उनको एक ओपन लेटर लिख के कहते हैं कि भाई हम जब से इंडियन सुपर लीग में आए हैं, क्योंकि ये बात नहीं थे,
हम हर साल का $3 मिलियन का नुकसान करते हैं, भाई मॉडल चेंज कर दो हम। ये तो वही वाली बात है ना भाई, जितना दम इन्वेस्टर्स में है, जिस दिन वो मुक गया तो गया पैसा, खत्म भाई। इंडियन सुपर लीग में 2 टीम्स बंद हो चुकी हैं, हैदराबाद नहीं, हैदराबाद तो आई थी, आपकी दिल्ली डायनामोस बंद हुई, ओडिशा बंद हुई, फिर पुणे सिटी बंद हुई, तो हैदराबाद आ गई। क्यों बंद हुई? पैसे, फाइनेंशियल मॉडल। हैदराबाद के जो मेरे अपने कुछ इंडियन दोस्तों ने बताए, एक साल से तनख्वाहें नहीं दी अपने स्टाफ को, और वो बैंकरप्सी की तरफ भाई चैंपियंस रह चुके हैं। हॉरिबल यार, ये वो बातें हैं जो ना, टू बी ऑनेस्ट, जब हमारे यहाँ पे किसी को फुटबॉल का इतना नहीं पता तो मतलब ये तो बहुत आगे की बात है, क्योंकि इंटरेस्ट भी लेगा इसमें। शाहरुख भाई, इधर क्रिकेट सबसे ज्यादा देखी जाती है, उसका नहीं पता। इसमें साथ भाई जो डर लगता है ना, जो मसला आता है वो ये कि मॉडल तो आपने ऐसा बना दिया कि ये जीरो सम गेम है, और फ्रेंचाइज फीस आपने लगा दी। आप उनको एक इंग्लिश में लफ्ज है ओनरशिप इन परपेचुइटी, कि आप इंस्टॉलमेंट्स भी नहीं ले रहे कि भाई 5-10 साल इंस्टॉलमेंट दो तो टीम आपकी होगी। टीम अगर आपने उनको दे भी दी, फ्रेंचाइज फी ना दें, आप उनको अगले दिन इंडियन सुपर लीग से निकाल दें। तो बेसिकली आप कभी भी क्लब भी नहीं ओन कर सकते, और मतलब फ्रेंचाइज भी नहीं ओन कर सकते, और आपने फीस भी हर साल देनी, फीस देनी है ना, आपसे सस्टेन नहीं होगा, आपसे सस्टेन नहीं होगा। और अच्छा, इंडियन सुपर लीग के अपने भी अलग मसले थे, स्टार स्पोर्ट्स ओनर है लीग का, ब्रॉडकास्ट वो कर रहा है, नॉस 5+4 की उनकी डील थी 9 साल की, तो जब वो ओनर है तो वो राइट्स ही नहीं ऑक्शन करने दे रहा, राइट्स ऑक्शन नहीं करने देगा तो वैल्यू किस तरह बढ़ेगी राइट्स की। अच्छा, अगर वो ऑक्शन कर भी दे, मैं पाकिस्तान में ऑक्शन कराता हूँ, लेट्स से आप कहते हैं ए स्पोर्ट्स लीग का ओनर भी है, तो भाई क्यों कोई आके दूसरा ऑक्शन करेगा कि मैं अपने कंपेटिटर को पैसा दे देता हूँ। अब इन लोगों ने राइट्स ऑक्शन किए हैं, ठीक है, और इससे पे थोड़ा सा आपको अंदाजा होना चाहिए कि कितने एडवांस्ड इकोसिस्टम में एक चीज़ नहीं चल रही तो आप क्यों पीछे पड़े हुए हैं। वायाकॉम, वो भी रिलायंस के पैसे हैं, वो बंबाने के लिए तो पॉकेट, ये सारा तो पॉकेट चेंज भी ना, गिर जाए तो शायद उठाए भी ना। तो अभी जो राइट्स ऑक्शन हुए हैं, वायाकॉम ने उठाए हैं 65 मिलियन फॉर 2 ईयर्स 32.5। कॉन्टेक्स्ट समझें, पाकिस्तान सुपर लीग के जो अभी राइट्स गए हैं वो रफली हैं $29 मिलियन के, उसको आप डिवाइड कर लें पर ईयर पे ले आए तो वो रफली 9.2-9.3 बनेंगे, 9.2-9.3 फॉर PSL। ISL के राइट्स कितने? 32.5। That's the difference in market, just by the way. जी, right there. Right there. भाई इस सब को करने के बावजूद जब, अच्छा मजे की बात जो सबसे सोने पे सोगा है, 11 साल हो गए ISL को, इस ईयर शायद वो लीग ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल हो जाए। 10 साल से लीग प्रॉफिट नहीं कमा रही, बाकी क्लब क्या करेंगे? और ये मेरा भी सवाल या निशान है भाई, जब इतनी रेवेन्यू आ रही है किधर क्या कर रहे हो जो आपसे हो नहीं रहा है? तो मुझे लगता है कि आपको एक ऐसी चीज बनानी है जो सस्टेनेबल हो। अगर आप रिलायंट है ना इन्वेस्टर्स के पैसों पर, इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में अगर कोई आ भी जाता है इन्वेस्टर्स करने में, भाई इनकी अटेंशन स्पैन बहुत कम है, 5, 6, 7, 8 साल बाद जब उनको नजर आएगा कि भाई इट्स नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट क्रिकेट, ये एक महीने का टूर्नामेंट नहीं है, जब ये 9 महीने पे जाएगा तो ये आपकी तबीयत दुरुस्त हो जाएगी। और फिर अगला प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जब आप पैसे इन्वेस्टर्स के यहाँ लगा देंगे सारे, तो फिर ISL वाला हिसाब होगा कि ISL में जमशेदपुर के अलावा, और जमशेदपुर टाटा ओन करता है, टाटा स्टील पर्टिकुलरली, उनने पहले से अपना स्टेडियम बनाया हुआ ISL से बहुत पहले का, उनके अलावा कोई स्टेडियम नहीं ओन करता। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो भाई जो एक्चुअल क्लब को रन करने का तरीकेकार, उसमें एक ही तो बड़ा एसेट आता है, वो आपका स्टेडियम है, उसी से आप नॉन फुटबॉल रेवेन्यू चलाते, तो आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे। फिर उसका अगला मसला आता है, यू डेवलपमेंट नहीं होती। यू डेवलपमेंट कैसी नहीं होती? इंडिया में एक बेंगलुरु की एकेडमी है, एक है रिलायंस की अपनी यंग चैम्प्स की एकेडमी, वो वाहिद 2 अकेडमीज हैं जो AFC 2-star एक्रेडिटेड एकेडमीज, बाकी कोई नहीं है। ISL की टीम्स अब 13 हो जाएंगी मोहम्मदन के प्रमोशन के बाद, उनमें से 2 के बाद वुमेंस टीम है टॉप टीयर में, एक उड़ीसा है मेरे ख्याल से, एक उड़ीसा है और ईस्ट बंगाल है। तो भाई ये मसले हैं जिनमें नहीं पढ़ना। आप इससे बेहतर मॉडल्स देख सकते हैं, और इससे बेहतर मॉडल्स वो देख सकते हैं जहाँ पे फुटबॉल भी डेवलप और कमर्शियली भी चीज़ें हो जाएं। मैं बिल्कुल इस बात की दाद देता हूँ कि एज अ प्रोडक्ट ISL इज फैंटास्टिक, मार्केटिंग इज फैंटास्टिक, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अपने फ्रेंचाइज यू चार्ज करनी एट द सेम टाइम, लोगों को लगता है कि जब
आपने एक लीग क्रिएट करनी है ना, आप सारी नई टीम्स ले आए, आप 10 की 10 टीम नहीं ले आए, आप प्राइवेट ओनर्स को ले आए, आप उनसे टीम्स एक दफा बेशक $1-1 million की बेच दें उनको, लेकिन जब आप उनसे फ्रेंचाइज फीस नहीं लेंगे ना, तो उनके लिए एक चीज सस्टेनेबल है करना। और फिर आप उनसे डिमांड्स डाल सकते हैं कि भाई बेशक 5,000 कैपेसिटी का स्टेडियम बनाओ, लेकिन बना दो, क्यों फीजिबल है यार। अगर एक एक PSL टीम ने भी, अगर सबसे सस्ती टीम भी $1.1 million ओवर 10 years दे रही है, $10-11 million लगा रही, स्टेडियम नहीं बन सकता इतने में। तो ये काम अगर आप कर लेना तो इससे बहुत बेहतरीन आई थिंक काम हो सकता है। इसी लीग स्ट्रक्चर को पाकिस्तान में लेके आए, फिर पिरामिड से कनेक्ट करें। वो तो मज़े के रोले वहाँ पे बनते हैं ना इंडिया में, जहाँ पे रोड मैप ही कनेक्टेड नहीं था। 2019 में उन्होंने रोड मैप कनेक्ट किया है और अब IIFF फिर मुड़ गया कि हम शायद रेलीगेशन ही ना करें। रेलीगेशन करा दी, हैदराबाद रेलीगेट हो गया, क्या होगा फिर? खत्म। वो फ्रेंचाइज फीस देंगे फिर? नहीं, खत्म। वो क्यों देंगे? खत्म, क्लब भी खत्म। मुझे नहीं समझ आता, मिट जाएगा ना। तो मैं और आप या शायन कोई चाइनीज बोल रहे हैं ना, तो हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो समझना कोई मुश्किल काम है, बड़ी प्लेन फिगर्स के साथ बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल बात। अगर इसके बावजूद कोई इंसिस्ट कर रहे हैं हमने फ्रेंचाइज लीग करानी है, तो फिर तो मसला बदनीय था। एंड विदाउट द परमिशन ऑफ PFF अगेन, विदाउट, या द एम इज टू अर्न मनी एट द एंड ऑफ द डे, बात यहीं पे खत्म। आईएसएल ने नहीं कमाया, आप कैसे कमाएंगे? या तो इस तरह का कोई मॉडल बता दो कि आप कमाएंगे, दिखा दो फिगर्स के क्या करना चाह रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर आगे हम डिबेट कर सकते हैं इसके ऊपर। क्यों जा रहे हो? डिबेट तो होता नहीं है, इतने ज्यादा डेवलप्ड मॉडल्स हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान को फॉलो करना चाहिए जो वियतनाम में किया है, कैम्बोडिया हमने हराया कैम्बोडिया विदाउट अ लीग, बट कैम्बोडियन प्रीमियर लीग को देखें यार, आई थिंक मेजोरिटी टीम्स नाउ ओन देयर ओन स्टेडियम। भूटान हैज VAR और उनका भी अच्छा सा लीग का स्ट्रक्चर है, पिरामिड सिस्टम। हमारा तो है ही नहीं ना भाई, हमारा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता यार। तो मैं छोटी सी यहाँ शर्मफुल बात है, मैं छोटी सी बात करना चाहता था। इवन इंडिया, जब उनके जर्नलिस्ट जो थे, इंडियन जर्नलिस्ट जो अभी इन्होंने भी बात की, खैर वो जर्नलिस्ट तो नहीं था, वो तो रिसर्च उन्होंने पेपर लिखा था, राइट, रिसर्चर थे वो, सर्टक मॉडल, यस। तो उन्होंने ना तनकीद कर करके कहा कि भाई आप इसको अब पेरमेंट की तरफ ले आएँ क्योंकि ये मॉडल नहीं चल रहा है। और उन्होंने ये भी बात की कि प्रमोशन और रेलीगेशन लेके आनी चाहिए। अभी मेरी एक इंडियन यूट्यूबर से बात हो रही थी जो कि AIFF में काफ़ी उसकी मतलब रिसोर्सेज हैं, तो तू सोर्सेज को उस वक्त से रिसोर्सेज बोल रहे यार, सॉरी वो लेजेंड आए हैं इसलिए थोड़ा बंदा नर्वस हो मेरे पे डाल रहे हैं। तो बात ये है कि वो ये कहते हैं कि अब ये लोग जो है फ्रेंचाइजेज हैं, दे आर कमिंग टूवर्ड्स द मॉडल ऑफ यूथ अकेडमी, यूथ सिस्टम। एक हम अकेडमी का नाम भूल गए हैं, मिनर्वा अकेडमी, इवन तो वो 2-star नहीं है, बट रंजीत बजाज की जो पंजाब में मिनर्वा अकेडमी है, जो कि अब आई थिंक वो दिल्ली को वो देख रहे हैं, दिल्ली FC को सेकंड ईयर में, तो वो भी बड़ी अच्छी अकेडमी है, बट उसको भी आई थिंक अभी तक 2-star नहीं मिला, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर करेक्ट करना, उसको भी नहीं मिला। बट कह ये रहे हैं कि वहाँ से संदेश झिंगन और ये सारे निकले, अनवर अली और उन्होंने, तो वो भी एक अकेडमी है। Now they are coming towards youth system, now they are coming towards promotion, और अब उन्होंने पिरामिड को कनेक्ट किया। क्यों किया पिरामिड को कनेक्ट जब ये सक्सेसफुल मॉडल था ऑलरेडी फ्रेंचाइज का? आप पिरामिड क्यों लेके आ रहे हैं? आपके हिसाब से तो फ्रेंचाइज सक्सेसफुल है। इस पर एक और पॉइंट ऐड करें, एवेंचुअली ISL आर्ट्स नॉमिनी तक पहुँच रही है, ठीक है, एवेंचुअली रोड मैप कनेक्ट हुआ, वो टॉप टीयर बन गई, बाकी पिरामिड से कनेक्टेड है, प्रमोशन ऑलरेडी हो रही है, ठीक है, रेलीगेशन पे एक चलो क्वेश्चन मार्क है। ओ भाई यहाँ तक पहुँच के तो पहले दिन से ये प्लान तो बना लो कि ना करना, इतनी जंग के बाद भी यही करना है तो फिर ये पहले कर लो। और आई थिंक नहीं, अब देखें ISL जो थी ना, ISL मुसल्लत नहीं की गई थी क्योंकि ISL को लीगली 600-700 crore के अंदर मुकेश अंबानी ने लाइसेंसिंग करके AIFF के थ्रू सारा रोड मैप करके फिर उसने एक्वायर किए थे राइट्स। यहाँ तो हम मुसल्लत कर रहे हैं फ्रेंचाइज नहीं करनी है, आप कौन, हम तो कर रहे हैं यार। मुसल्लत के अलावा ना अब आप भूल जाते हैं कि फुटबॉल जो है ना वो चलता है फुटबॉल के बेस पे, फैंस नहीं देखने आएंगे, आपका सब ठप हो गया खत्म। और उसमें अगर आप देखें कि पंजाब FC है, ठीक है, वो जीतती भी आ रही है, ठीक है, आई लीग जीत के आई, आप उनको कहते हैं कि भाई हम आपको सेंट्रल पूल से रेवेन्यू नहीं देंगे, नहीं देंगे अगर फ्रेंचाइज फीस नहीं पे करोगे, नहीं उनको क्या आपको देंगे नहीं, अब वो खुद सोच रहे हैं कि हम पे कर। अच्छा, ये क्या मजाक है भाई, आप स्पोर्टिंग मेरिट की धज्जियां उड़ा रहे हैं इस बेसिस पे कि भाई एक टीम बनाता हूँ मैं, लीग जीत के ऊपर आता हूँ, फिर आप कहते हैं अच्छा नहीं, नो पार्टी, दैट्स वियर्ड। फायदा क्या है प्रमोशन का फिर? नहीं, आप क्यों, व्हाई आर यू रीइन्वेंटिंग द व्हील? नहीं जरूरत, हर बंदा कर रहा है, चल रहा है एक सिस्टम,
आपने डेढ़ इंट की मस्जिद या मंदिर बनाना है,